देवरा पार्ट वन डायरेक्टेड बाय कोटल शिवा। इस फिल्म के लीड में NTR, सैफ अली खान और जानवी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार। 300 करोड़ का बड़ा बजट और एक्सप्लोर करने के लिए समंदर का टॉपिक। सुनने में लग रहा है ना कि देवरा एपिक फिल्म बनी होगी, लेकिन नहीं बनी। हालांकि कहानी अच्छी थी, समंदर के अराउंड जो दुनिया बनाई थी वो भी बढ़िया थी और फिल्म देखते वक्त तुम्हें अच्छा खासा मजा भी आएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी चीजें उस तरह से वर्क नहीं करती है कि हम देवरा को KGF या फिर बाहुबली जितना एपिक कह सके। जबकि RR के बाद NTR से बाहुबली जैसे किसी बड़ी फिल्म की ही उम्मीदें लगाई जा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके लिए मैं तुम्हें 7 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो मेकर्स ने देवरा में की है, जिनमें से अगर मेकर्स मिस्टेक नंबर 1 और 4 नहीं करते तो कहानी आज कुछ और ही होती। लेकिन इन मिस्टेक्स को करने के बाद भी अगर वो मिस्टेक नंबर 5 और 6 नहीं करते तो भी फिल्म काम कर जाती। तो चलो सस्पेंस को ना बढ़ाते हुए सीधा पहली मिस्टेक पर आती है। नंबर 1, हम ऐसे इंस्पिरेशन नहीं बल्कि बाहुबली की कॉपी ही कहना चाहूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स के इरादे साफ पता चल रहे हैं, वो अपनी फिल्म को बाहुबली जितना ब्लॉकबस्टर बनाना चाहते हैं। और वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि आप बनी बनाई खिचड़ी ना खाना चाहो। यानी कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बाहुबली की पूरी थीम को ही उठा लिया, जहाँ बाहुबली की तरह देवरा भी मरा हुआ है, उसका बेटा वरा अब सब कुछ संभाल रहा है, प्रकाश राज का कैरेक्टर कटप्पा की तरह पास्ट की कहानी सुना रहा है और लास्ट में देवरा को उसके बेटे ने क्यों मारा, इसको लेकर सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की है जैसे कि बाहुबली में की गई थी। यहाँ तक कि देवरा का कैरेक्टर भी बाहुबली से काफी मिलता जुलता है। वो तो शुक्र है कि इन्होंने कहानी 2 राजकुमारों की जगह समंदर के 2 पायरेट्स की रखी। खैर सीरियसली ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, अगर ये नहीं करते तो समंदर में एक अनोखे पहाड़ पर लाल समंदर के सामने रहने वाले लोगों की कहानी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती थी। हाँ, पर कुछ नया ट्राई करने का जोखिम कौन लेगा। नंबर 2, फिल्म 2 hours 45 minutes की है, जबकि इसमें से 45 मिनट्स आराम से काटे जा सकते थे, लेकिन क्योंकि इन्हें जानवी कपूर को दिखाना था, जिसका फिल्म में क्या काम है किसी को नहीं पता। ये ना तो वरा से प्यार करती है और ना ही इसका कहानी से या फिर देवरा से दूर तक कोई रिश्ता है। और हम सब जानते हैं कि ठरकी लोगों को लुभाने के लिए जानबूझकर जानवी के कैरेक्टर को 4 गांव में से एक सरदार विरैया की बेटी बना के यहाँ पे लाया गया है, ताकि हम लोग जानवी कपूर के एब्स देख सके। लेकिन अगर ये लोग चाहते तो उन 45 मिनट में पार्ट 2 की कहानी भी आराम से दिखा सकते थे। ओह, लेकिन फिर बाहुबली वाला सस्पेंस मिस हो जाता नहीं। सीरियसली इंटरव्यू से पहले कहानी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, पर क्लाइमैक्स और सेकेंड हाफ में फालतू की चीजें ऐड करके इन लोगों ने हक दिया। बहरा का 12 साल तक एक ऐसी गैंग को बनाना जिन्हें वरा अकेले पेल रहा है बिना कोई प्रैक्टिस किए, मतलब इन लोगों का प्रैक्टिस करके क्या फायदा है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि वरा देवरा का बेटा है, तो उसे पावर्स विरासत में मिली होगी, क्यों है कि नहीं। वैसे ये भी बाहुबली से ही उठाया है कि बाप के पावर्स बेटे में अपने आप आ जाती है। DNA प्रॉब्लम, DNA सॉल्यूशन। खैर, एक मुखिया के बेटे का बदला जिसके कारण भैरा से ही फोकस हट रहा है, और जानवी के कैरेक्टर की अजीब लव स्टोरी जिससे कोई भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये सारी चीजें हटा के अगर ये लोग वरा और देवरा की बॉन्डिंग और देवरा और भैरवा की दुश्मनी पर ज्यादा फोकस करते तो मे भी चीजें काम कर जाती। नंबर 3, अब ये मिस्टेक मैंने ही नोटिस की है या फिर तुमने भी की है, जरा मुझे कमेंट में बताना। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायलॉग्स की, जिनमें जरा सा भी दम नहीं था। तेलुगु का तो मुझे पता नहीं, पर हिंदी वाले डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा बकवास थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए देवरा का ये डायलॉग है, देवरा ने कुछ मांगा समझो कह दिया। नहीं, मतलब इसका क्या मतलब होता है भाई। अब जितना मुझे फिल्म की सिचुएशन से पता चला है, उसके हिसाब से डायलॉग से वो लोग देवरा की पावर को दिखाना चाहते थे कि देवरा जो भी बोलता है वो करता है, या फिर वो पत्थर की लकीर बन जाती है। तो ये डायलॉग कुछ ऐसा होना चाहिए था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। लेकिन वो हुआ कुछ ऐसा। सही का होगा सही, गलत का गलत, वंदे मातरम। यानी कि बेटे ये बनाने गए थे बाहुबली, लेकिन बन गई किसी का भाई किसी की जान। और सीरियसली मूवी के कई सारे डायलॉग्स ऐसे ही है, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी सीन को ऑडियंस से कनेक्ट करने में डायलॉग का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। बाहुबली और बाजीराव मस्तानी इसके एग्जाम्पल्स है। नंबर 4,
अगर आपकी फिल्म का बजट 300 करोड़ है, फिल्म में NTR और सैफ अली जैसे एक्टर आमने सामने हैं और आप प्रमोशन भी बड़े लेवल पर कर रहे हैं, तो एज अ सिनेफाइल किसी की भी उम्मीदें आपकी फिल्म से बढ़ेगी ही। यही देवरा के साथ भी हुआ। RR के बाद NTR से सभी की उम्मीदें बढ़ चुकी थी, लेकिन देवरा में उस लेवल की चीजें डिलीवर नहीं की गई है जिसकी उम्मीद लगाकर सब लोग थिएटर गए थे। उल्टा देवरा तुम्हें किसी नॉर्मल एक्शन मास मसाला फिल्म की वाइब देती है, जिसमें ना तो एक्टर के गेटअप को लेकर ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखा गया है और ना ही एक्शन को। एग्जांपल के लिए जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है वो बाकी लड़कियों से काफी अलग दिखता है। मानो फेयर एंड लवली की एड चल रही है जिसमें बाकी लड़कियां नॉर्मल क्रीम यूज करती है, पर जानवी का कैरेक्टर थंगम फेयर एंड लवली वही पर भैरा भी साला बूढ़ा दिख ही नहीं रहा है, जबकि विरैया और बाकी सबकी एज उनके चेहरे से टपकती है। ओ भैरा शायद च्यवनप्राश का ऐड कर रहा होगा और आदिवासी हेयर ऑयल का भी। खैर, मजाक से हट के एक्शन को भी रियलिस्टिक नहीं रखा गया है। एग्जांपल के लिए इस चिप वाले सीन में हाईली ट्रेन नेवी ऑफिसर्स को भैरव और उसके लोग अपने चाकू चूरे से मार रहे हैं। चलो इनके पूर्वजों की कहानी पर हम लोग ये सह भी लेते, लेकिन जब ये हो रहा है तब इन लोगों को इन ऑफिसर्स ने चारों तरफ से गन पॉइंट पर रखा हुआ है। मतलब कि ये सभी ऑफिसर्स एक सेकंड में अपना ट्रिगर दबा के गोलियों से भैरा और उनके लोगों को छलनी कर सकते हैं। लेकिन इनके हमला करने के बाद भी एक ऑफिसर ने भी गोली नहीं चलाई। क्या बात है भाई, गोलियों का बजट नहीं था क्या? खैर, उसके बाद अपना देवरा सुपर हीरो है और उसने इतनी बड़ी शार्क को मार के खुद किनारे लाया था, ये भी मान लिया। लेकिन साला उसका बेटा भी शार्क को घोड़ा बना के उस पे चढ़ रहा है। चलो हमने ये भी मान लिया, वो DNA वाले प्रॉब्लम पे मैंने डिस्कस किया था। लेकिन वरा पानी से सीधा जंप मार के बोट पे आ रहा है और साइंस के हिसाब से उसे जब पानी के नीचे किसी चीज का सपोर्ट ही नहीं है तो वो कूदेगा कैसे? मतलब वो सीधे इतनी बड़ी छलांग पानी से कैसे लगा सकता है? हाँ, माना कि तुम्हें बाहुबली जितना पावरफुल अपने कैरेक्टर्स को दिखाना था, लेकिन कन्विक्शन तो चाहिए ना भाई। और इसके अलावा रही बात VFX की, तो वो काफी जगह पर बहुत अच्छे लगते हैं और कई जगह पर नकली से भी फील होते हैं। और चलो छोटा मोटा बजट होता तो हम ये बात सह लेते, लेकिन 300 करोड़ की फिल्म में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी। तो हाँ, इतनी बड़ी फिल्म का रियलिस्टिक ना होना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके आज के टाइम पे जहाँ लोग क्वालिटी देखना पसंद करते हैं ना कि स्टारडम को। नंबर 5, हिंदी की एक बड़ी पुरानी कहावत है, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, और हर चीज की तरह फिल्मों में भी ये लागू होता है। मैंने अपनी अक्षय कुमार के कमबैक वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि रीमेक करना फ्लॉप होने का कारण नहीं है, बल्कि उसे सही से ना करना है। जब आप राजा मौली के फॉर्मूले को, स्पेशली बाहुबली की थीम को कॉपी कर रहे हो, तो कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपकी कहानी का विलन हीरो से पावर में इक्वल होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, साथ ही में उसका इम्पैक्ट भी ऑडियंस पर इक्वली पड़ना चाहिए। कोटला शिवा ने भैरा को देवरा के बराबर तो दिखा दिया, लेकिन उसके यूज को पार्ट 2 के लिए बचा के रखा। पूरी फिल्म में आप समझ ही नहीं पाते कि भैरा कितना पावरफुल है और वो कितना ब्रूटल हो सकता है। जैसे भल्लाल देव से सारी प्रजा नफरत करती है, पर उसके डर और क्रूरता के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाता। वो देवसेना को वर्षों तक बंदी बनाकर रखता है और उसके दर्द को देखकर खुश होता है। देवसेना को उसका राज्य कई सालों से छुड़ाने की कोशिश करता है, सिर्फ इस एक चीज से भल्ला कितना ब्रूटल और पावरफुल है ये समझ में आ जाता है। सेम यही चीज KGF में प्रशांत नील ने गरुड़ा के साथ भी की थी। दूसरा, अगर आप एक स्टोरी टेलर अपनी फिल्म में रख रहे हो तो जो कहानी आप सुना रहे हो उसमें भी दम होना चाहिए, जो कि देवरा में अगेन मिसिंग था। मतलब कुछ हद तक मिसिंग था, क्योंकि स्टोरी में तुम्हें बहुत सारे लूप होल्स दिखेंगे। जैसे कि देवरा के मरने के बाद एक दो सालों में तो वरा बड़ा नहीं हुआ था ना, तो तब भैरा ने लाल समंदर में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? लेकिन इन सबसे जरूरी बात है कन्विक्शन। राजामौली अपने हर फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर हर एक्शन सीन तक सब कुछ ऑडियंस को कन्विंस करके देती है। बाहुबली अगर कुछ बड़ा कर रहा है तो उसके पीछे का रीजन हमें पहले ही दिया होता है, और सेम यही चीज प्रशांत नील ने KGF में भी यूज की थी। हालांकि सलार में प्रशांत नील इस चीज को भूल गए थे, इसीलिए लोग दीवा की पावर्स पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सो राजामौली की ट्रिक काम करती है, पर तभी जब आप उसे करेक्टली कॉपी कर पाए। वैसे तो कॉपी करना ही नहीं चाहिए यार, अपना कुछ ओरिजिनल बनाओ। नंबर 6, आप चाहे किसी से भी इंस्पिरेशन ले या फिर कॉपी करें, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अपनी मूवी से आप ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं। लेकिन देवरा को देखकर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर का फाइनल गोल था 2 पार्ट की ऐसी सीरीज बनाना जो बॉक्स ऑफिस तोड़ दे, लेकिन ये कैसे करना है ये नहीं पता। फन फैक्ट पता है, द OG डायरेक्टर राजा मौली
जिन्होंने ये दो पार्ट का ट्रेंड बाहुबली से इंडियन सिनेमा में स्टार्ट कर दिया है। उनका बाहुबली को दो पार्ट में बनाने का कोई प्लान ही नहीं था। राजामौली के हिसाब से वो एक कम्प्लीट कहानी थी जिसे बाद में जरूरत थी, इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, नहीं तो वो उसे पार्ट वन में ही बना देती। लेकिन यहाँ बस ट्रेंड को फॉलो करते हुए जबरदस्ती एक कहानी को दो पार्ट में बनाया जाता है, क्योंकि बाहुबली का बॉक्स ऑफिस बहुत ज्यादा था और उसके बाद कीजिए भी चल गई, तो सब लोग यही समझ रहे हैं कि दो पार्ट में बनाने के बाद फिल्में चल रही है या फिर सेकेंड पार्ट का बॉक्स ऑफिस आसमान छू लेगा। और इसी वजह से देवरा का स्क्रीन प्ले काफी खींचा हुआ नजर आता है। लेकिन ये सिर्फ देवरा की कहानी नहीं है बल्कि कई फिल्मों की कहानी सेम है जो कि इस ट्रेंड को बिना प्रॉपर प्लान के फॉलो करके बनाई गई है। नंबर 7, किसी सुपरस्टार पर अगर आप बड़ा पैसा लगा रहे हो तो आज के समय पर ये सोचना सबसे बड़ी गलती है कि उनका स्टारडम सब कुछ संभाल लेगा। हाँ, शुरुआत में लोग थिएटर में अपने फेवरेट स्टार की वजह से आ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में मूवी नहीं चल पाएगी। हाँ बिल्कुल, देवरा में एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया है, स्पेशली NTR और सैफ अली ने, पर जो एक्सपेक्टेशन सबने मूवी से लगाई थी उस पर देवरा खरी नहीं उतरती, क्योंकि शायद मेकर्स ने ज्यादातर चीजें स्टार कास्ट के स्टारडम पर छोड़ दी है और राजामौली के दो पार्ट वाले फॉर्मूले पर। इसलिए साउथ और बॉलीवुड का कोलैबोरेशन किया गया ताकि सारी ऑडियंस को कवर किया जा सके, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इस कोलैबोरेशन के साथ और बड़े बजट के साथ आपको भी इफर्ट डालने पड़ेंगे, नहीं तो दुनिया का कोई भी ट्राइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और हमें फिर से एक बार बता दूं कि फिल्म मुझे अच्छी लगी, लेकिन इससे अगर मेकर्स या फिर NTR के फैंस बाहुबली और KGF जितने सक्सेस की उम्मीद लगा रहे हैं तो भूल जाओ। फिल्म मास मसाला ऑडियंस को एंटरटेन करेगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। राजामौली जितनी सक्सेसफुल फिल्म देने के लिए उतने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। वैसे राजामौली के कर्ज की बात सुनी है मैंने, क्या ये सच हो सकता है? मैं इस पर जल्दी एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें इसका पूरा खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम इसके बारे में क्या सोचते हो अपने थॉट्स मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर तुम्हें देवरा पार्ट 1 में वो एक्शन नहीं मिला जिसकी तुमने उम्मीद लगाई थी तो मेरी ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने इंडियन सिनेमा की 7 ऐसी एक्शन फिल्में सजेस्ट की हैं जिनमें से अगर एक भी तुमने अभी तक नहीं देखी है मतलब कि तुम एक्शन में कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।